हे गाइस, हाउ आर यू? मायसेल्फ बुक लवर। आज का टॉपिक है बहस से नहीं अपने कामों से जीते। चलिए शुरू करते हैं। बहस से मिलने वाली एक पल की खुशी वास्तव में खोखली होती है। इससे सामने वाले व्यक्ति का विचार नहीं बदलता, इसके बजाय उसके मन में जलन या नफरत उत्पन्न होती है जो काफी समय तक रहती है। इसके बजाय कुछ बोले बिना अपने कामों से दूसरे को प्रभावित करना बहुत ही ज्यादा असरदार होता है। बोले नहीं बल्कि काम करके दिखा दें। बहस करके अपनी बात मनवाने या जीतने की कोशिश करने में दिक्कत यह होती है कि आप यकीन से कभी भी यह नहीं कह सकते हैं सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। हो सकता है वह आपसे सहमत तो दिख रहा हो लेकिन अंदर ही अंदर आपसे जलन या नफरत कर रहा हो, या फिर शायद आपने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी हो जो उसे बुरी लग गई हो। ध्यान रहे कि सामने वाला अपने मूड और असुरक्षा के आधार पर ही आपके कहे शब्दों का मतलब निकालता है। अच्छे से अच्छे तर्क की भी कोई ठोस नींव नहीं होती, क्योंकि हम सब शब्दों की छला भरी प्रकृति से वाकिफ होने के कारण उन पर अविश्वास करते हैं। किसी के साथ बहस करने के कुछ ही दिन बाद हम सिर्फ अपनी आदत की वजह से अपने पुराने विचारों पर वापस लौट आते हैं। इस बात को समझ ले, शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। हर कोई जानता है कि बहस करके हम अपनी बात के समर्थ में कुछ भी कह सकते हैं। इस तरह की हवाबाजी से कौन हम पर विश्वास कर सकता है, परंतु कार्य इससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और अर्थपूर्ण होते हैं। वे हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम उन्हें देख भी सकते हैं। कार्य में कोई भी शब्द चुभने वाले नहीं होते हैं और ना ही कोई गलत निष्कर्ष की संभावना होती है। सामने दिखाई देने वाले सबूत के साथ कोई भी बहस नहीं कर सकता। जैसे कि महात्मा गांधी कहते थे, सत्य आमतौर पर सुनाई नहीं दिखाई देता। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। सर क्रिस्टोफर रैन इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्होंने कभी भी अपने ग्राहक से बहस नहीं की, ना ही कभी भी अपने ग्राहक को चुभने वाले शब्द कहे। उनके पास अपनी बात साबित करने के दूसरे भी तरीके थे। 1688 में रैन ने वेस्टमिंस्टर शहर के लिए एक शानदार टाउन हाउस डिजाइन किया, लेकिन मेयर उसने संतुष्टि नहीं थी। उसने रैन से कहा कि दूसरी मंजिल सुरक्षित नहीं है और यह पहली मंजिल पर बने उसके ऑफिस पर कभी भी गिर सकती है। उसने रैन से कहा कि वह अतिरिक्त सहारे के लिए पत्थर के 2 खंभे लगा दे। रैन बहुत ही कुशल इंजीनियरिंग थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि खंभे लगाने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी रैन ने खंभे लगा दिए, जिससे मेयर बहुत खुश हो गया। कुछ साल बाद जब कुछ मजदूर साफ सफाई करने के लिए ऊंची नसेनी पर चढ़े, तब जाकर पता चला खंभे छत का सहारा नहीं दे रही थी बल्कि उससे थोड़ी दूर पर ही खत्म हो गए थे। खंभे सिर्फ दिखाने के लिए लगाए गए थे, लेकिन इससे दोनों ही लोगों को वह मिल गया जो वह चाहते थे। मेयर को तसल्ली हो गई और रैन जानते थे कि आने वाली पीढ़ियां समझ लेंगी कि उनकी मूल डिजाइन सही थी और खंभे की जरूरत नहीं। बहस के बजाय कार से शाब्दिक और भौतिक दोनों रूपों में अपनी बात मनवाना ज़्यादा सही होता है। अगर आपका लक्ष्य शक्ति पाना या उसे सुरक्षित रखना है, तो हमेशा अप्रत्यक्ष मार्ग खोजें और युद्ध का मैदान सावधानी से चुनें। अगर दीर्घकालीन दृष्टि से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपसे सहमत है या नहीं, या अगर समय और उनका अनुभव उन्हें आपका मतलब समझा देगा, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप उन्हें समझाने की कोशिश ही ना करें, अपनी ऊर्जा बचाएं और वहां से चल दें। तो आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। सो बने रहिए बुक लवर के साथ। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।